बसपा प्रत्याशी ने कई गांव का किया दौरा, मौलीगांव में मिला भारी जनसमर्थन। अम्बाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पवन रंधावा के द्वारा पंचकुला जिला में कई गांव का दौरा किया गया। इस मौके पर गांव बतौर, गांव मौली में उन्हें भारी जनसमर्थन मिला। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार के द्वारा कभी भी अम्बाला लोकसभा में विकास के कार्य नहीं करवाए गए। उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अम्बाला लोकसभा की अनदेखी की गई है। अम्बाला लोकसभा के अहम मुद्दों पर कभी भी संसद में चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। इस मौके पर गांव मौली में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका लोकल और आपके बीच का उम्मीदवार हूँ जो आपके मुद्दों को अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर उन्हें सफल बनाएं ताकि आपके क्षेत्र की आवाज़ को संसद में उठाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ अन्य बसपा नेता मौजूद थे। अपने बसपा प्रत्याशी की बात सुनी, अब आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। बच्चे मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सभी को जय भीम जय भारत। और मेरे साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी एडवोकेट पूर्ण सिंह जी, राणा जी, काला जी और प्रदेश सचिव प्रकाश सिंह पाठी जी, धर्मपाल कौर जी, रामायण प्रसाद जी और धर्मपाल कौर जी और गाँव से सभी जानते हैं मेरे को। यहाँ पर सभी जानते हैं सभी को जय भीम जय भारत। मेरी आपसे उम्मीद है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही सभी राज्य की रक्षा कर सकती है और बहुजन समाज पार्टी ही सर्व समाज की पार्टी है। आज बहुजन समाज पार्टी के नाम सभी वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आने वाली 25 तारीख को हाथी के सामने वाला पत्र दबाकर मुझे कामयाब बनाए। अगर आप मुझे यहाँ से कामयाब बनाते हैं, आप सभी भाइयों को बताएं कि जो भी बच्चों मोड़ की जितनी जरूरत है उनको पूरा किया जाएगा और अपने लोगों को रोजगार किया जाएगा, सभी को काम करा जाएगा रोजगार और सस्ती शिक्षा सस्ता सस्ते दिया जाएगा। मेरी आप लोगों से अपील है कि इस बार 25 तारीख को हाथी के सामने वाला पत्र दबाकर मुझे कामयाब बनाए। जय भीम जय भारत।